गुड मॉर्निंग मेरी ट्रेडिंग फैमिली। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। तो ये हमारा 25 वीक ट्रेडिंग चैलेंज का आज हमारा 17वां वीक। ओके, 16 वीक का मैंने वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि घर में नया मेहमान आया है तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं। हाँ, मैं 16 जो 16 वीक का है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें क्या हुआ था। अभी जो मेरा एक करंट वीक चल रहा है, 17 हफ्ता हमारा चल रहा है। तो इस हफ्ते हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई को थोड़ा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था और क्या था इसके पीछे का लॉजिक। तो कहानी शुरू होता है 12 12 तारीख को हम जो है शुरू होता है, लगभग मार्केट जो था इस जगह पर गैप अप ओपनिंग दिया था और यहाँ पे जो है लगभग एक सस्टेन दिखाया था। बाजार जो था सिंपली है, मैंने यहाँ पे देखा कि ऐसे दाव थ्योरी आपको पता होगा कि बाजार जो है हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंपली देखा कि इस जगह पे जो है रिट्रेसमेंट लेके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कंटिन्यूशन कर रहा है। प्लस यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा मतलब स्विंग ब्रेकआउट भी दिया है तो ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। तो बाकी हमने और कुछ नहीं देखा, सिंपली हमने यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ मतलब जो है क्योंकि हम एज अ ऑप्शन सेलर हैं तो क्योंकि हाई भी कम है तो हम इस टाइम पे जो है हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया, ऊपर की तरफ जो है एक ट्रेड को डिप्लॉय किया। 1/3 जो क्वांटिटी हमने हमारा कैपिटल का डिप्लॉय कर दिया। पहला पॉइंट तो हमारा यह था, मतलब जितना भी कैपिटल है उसका जस्ट हमने 1/3 जो क्वांटिटी हमने इसको डिप्लॉय किया, जो कि हम बाद में पिरामिडिंग में यूज करते हैं हर ट्रेड में। आप देखते होंगे अगर आपने हमको अगर काफी टाइम से फॉलो किया है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ कि बाजार जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे हमने एंट्री लिया तो उसके कुछ घंटे बाद बाजार जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आया, देन ऊपर की तरफ दोबारा जाने लगा। सॉरी, 1 मिनट में दोबारा देख लेता कि 12 तारीख ही है क्या, पहले चेक कर लेता थोड़ा सा मेरे से गलत मतलब प्रोजेक्ट ना। 1 मिनट सर। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये 12 तारीख को है तो यही पर हमने ट्रेड डिप्लॉय किया था। एक बार मैं थोड़ा सा टेलीग्राम पे भी चेक कर लेता हूँ। ओके, 6/21। ओके, ये हमने कब, ओके आई थिंक यार स्क्रीनशॉट मैंने थोड़ा लेट लिया था, 6/19 सॉरी यस, उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था, याद आया, सर मैं भूल गया था। तो सिंपली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड हाँ, 1 घंटे का जो मार्केट सीजन था आपको पता है, मार्केट मतलब 1 घंटे का ओपनिंग था तो हमने वहाँ पर ट्रेड डिप्लॉय किया था, अपसाइड में हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया। दूसरे दिन जो है मंडे के दिन मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, देन दोबारा मार्केट ऊपर जाने लगा एंड नेक्स्ट दिन तो भैया खुला सांड बन गया, ऊपर एकदम गैप अप ओपनिंग दे दिया तो हम वहाँ पर ट्रेड कंफर्म हो गए। दूसरा जो है हम यहीं पे जो है हमने एग्जैक्टली जैसे ही थोड़ा बहुत सस्टेन किया बाजार, हमने जो यहाँ पे सेकंड पिरामिडिंग लगाया। अब हमने जो है इसमें 3 पिरामिडिंग नहीं किया, इसमें मैंने 2 ही किया था क्योंकि ऐसे बुधवार आ गया था तो प्रीमियम ज्यादा बचे नहीं थे बाजार में, एक तो आई वी कम है तो प्रीमियम ज्यादा बचे नहीं, तो 3 पिरामिडिंग करने का टाइम नहीं था। यहाँ पर हमने सिंपली दोनों 2 पिरामिड में जो हमने पूरा ट्रेड को डिप्लॉय कर दिया था, मतलब 2 बार पोजीशन करके हमने पूरा ट्रेड को जो डिप्लॉय कर दिया। तो उसके बाद आप सिंपली देखो कि बाजार जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन, अच्छा खासा एक डायरेक्शन ट्रेड दिया। तो सिंपल लॉजिक था, देखिए हर बार प्रिडिक्शन सही नहीं होता, जब सही होता है तो उस टाइम थोड़ा बहुत कमा लेना चाहिए। सिंपल ट्रेडिंग इज इतना ही सिंपल है, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ता है हकीकत बताओ तो। लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन ब्रीन लगा के एकदम इतना ज्यादा नहीं पड़ता है सच बताओ तो। मेन जो इसमें मेन खेल जो इसमें छुपाया गया है वो रिस्क रिवॉर्ड पे छुपाया गया है, बाकी एनालिसिस पे बहुत ज्यादा छुपाया नहीं गया चीजों को। हाँ, एनालिसिस करके थोड़ा बहुत आप जो है जहाँ पे आप शायद 6 ट्रेड सही करें तो आप 7 ट्रेड सही कर सकते हो या 8 ट्रेड सही कर सकते हो लेकिन 10 ट्रेड कभी सही नहीं होगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा तो जो 3 ट्रेड आपका गलत जाएगा उसमें आप पूरे 7 ट्रेड के कवर को खराब कर दोगे। तो जो है सिंपली हमने जो है एक अनुमान लगाया कि बाजार जो है ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपली वो हुआ। हमने इस ट्रेड में जो है लगभग 1.9% के आसपास प्रॉफिट बुक किया। मैं आपको टेलीग्राम पे पूरे ट्रेड को दिखा देता हूँ।
ये चलते हैं। ओके ये ऑफलाइन क्यों हो गया? तो हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये सिंपली हमने यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया था, मैंने साथ साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। 1400 क्वांटिटी का हमने हेज बाई किया था, लगभग 3.46 के आसपास जो है हेज हमने बाई किया था। लगभग जो है 1400 क्वांटिटी के आसपास सेम क्वांटिटी हमने सेल किया था, 19200 का हमने पी शॉर्ट किया था। मतलब पी शॉर्ट किया था, इसका मतलब है ऑप्शन सेलिंग उल्टा होता है, एज हमने मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया। मैं आप जो है लगभग सभी जानते हैं कि सेलिंग ऑप्शन और बाइंग में क्या फर्क होता है, तो ये समझाने की मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। तो ये था उसका पे ऑफ ग्राफ जैसे दिख रहा था उस टाइम पे। तो दूसरा हमने ट्रेड यहाँ पे मतलब दूसरी बार जब हमने जो है पिरामिडिंग किया, जैसे जिस दिन मतलब गैप ओपनिंग हुआ उस दिन जो हमने ये नीचे इस तरफ देखे 9200 का हमने 10,000 वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। एंड जो है यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आयरन फ्लाई की तरह बना के मतलब एक लॉट दो लॉट का आयरन फ्लाई की तरह बना के ताकि एक थोड़ा टेंट जैसा बना रहा है, मतलब हेज की तरह काम कर जाता है कई बार प्रॉफिट रेंज। मतलब साइकोलॉजिकली ऐसे तो बहुत ज्यादा हेज की तरह काम नहीं करता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है मेन जो यहाँ पे ट्रेड है वो जो है बुक करने के बाद ये है। यहाँ पे आप देखो जो 19050 का पी हमने यहाँ पे जो है 1500 क्वांटिटी का शॉर्ट किया है, और ये इसका जो है हमने 1050 क्वांटिटी हमने जो है यहाँ पे सेल किया है। हमने बराबर नहीं किया, हेज थोड़ा ज्यादा रखा था। तो 19050 500 का सेल, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीमियम यहाँ पे मैं सॉरी गलती से प्रीमियम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ, मुझे यहाँ पे याद तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर शायद मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा होगा, और इसको जो है इतना ज़्यादा लॉट साइज नहीं लगा सकता था। अगर लगा था तो क्या मतलब मेरा जो टारगेट रेंज है उससे ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने जो मेरा पोजीशन साइजिंग बराबर रखने के लिए मैंने जो है इसमें कम क्वांटिटी लिया था। तो यहाँ पे देखोगे मेरा मार्जिन भी बचा हुआ था, लगभग 3 लाख के आसपास बचा हुआ था। मैं पोजीशन साइजिंग को मैनेज करने के तो राइट पोजीशन साइजिंग लेने की वजह से मैंने जो यहाँ पे कम क्वांटिटी लिया था। तो उसके बाद जो है देखते हैं दूसरे दिन जो है एक्सपायरी के दिन लगभग ये हमने होना जो है जब 1 रुपये के आसपास था प्रीमियम तब तो हमने बुक कर लिया लगभग। मतलब जो है हमारा 1 पॉइंट जैसे कि हमारा आप जानते हैं कि 1.7% जो है हमारा टारगेट रहता है, उससे हम मैं 1-2 हज़ार ज़्यादा निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ब्लैक स्टोन इवेंट हिट किया था अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा कुछ 3-4 हफ्ते पहले, 4-5 हफ्ते पहले, जिसमें मेरा लगभग 2% का स्टॉप लॉस हिट होता। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हर एक ट्रेड में जो भी मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है उसमें से 1-1 हज़ार ज़्यादा करके पॉइंट मतलब लगा के मैं उस स्टॉप लॉस एरिया की तरफ पूरा नहीं कवर करूंगा, जितना मेरा स्टॉप लॉस है वहां तक कवर करूंगा, मतलब एक बैलेंस आउट है बस। तो ऐसे मतलब जो ब्लैक स्वान इवेंट वगैरह होता है उसमें अगर कोई मतलब बड़ा डेंट पड़ जाता है तो वही सेम टेक्निक से हम जो है इसको क्या बोलते हैं कवर करते हैं कि हर जो भी हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है उसमें हम 1-2 हज़ार या कुछ पॉइंट मतलब थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है ज़्यादा प्रॉफिट करके मतलब लगभग 7-8 ट्रेड में कवर हो जाता है। तो ये लगभग आपको यूट्यूब पे सब चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रेड करते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होता है, यूट्यूब को पता है 90% ट्रेडर आप फेक हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस भी अब आजकल आ रहे हैं, तो उनको उनके पास सिर्फ नॉलेज है, आप देखोगे उनका ऊपर जो गूगल वाला नॉलेज है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का। एक्सपीरियंस उन्हीं के पास है जो कुछ जेन्युइन ट्रेडर्स से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, आप मेरे पे भरोसा मत कीजिए बिना देखे, मैं अपने भी नाम नहीं ले रहा कि मैं इतना कुछ खास कमा नहीं रहा, आप भी देख रहे हो। हाँ भले प्रॉफिटेबल हूँ लेकिन इतना कुछ खास रिटर्न नहीं बना पा रहा हूँ, मैं भी बहुत कम बनता है मेरे भी, कि एक तो ऑप्शन सेलिंग है ऊपर से आय भी बहुत कम है। तो जितना बन पा रहा है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब रिटेल में जितना भी मेरा नॉलेज है जितना भी एक्सपीरियंस है तो थोड़ा थोड़ा जितना भी आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रिटर्न्स बन जाए। तो सिंपली 19500 के आसपास जो है हमने यहाँ पे मतलब लगभग जो है 11,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और जो 8000 का आसपास जो 10,000 हमने बुक किया पिछले जो स्क्रीनशॉट में दिखाया था, और 10,000 था प्लस उसके जो हेजेस थे तो उसको लगा 8000 के आसपास था। तो लगभग 19000 के आसपास जो है हमने टोटल इस हफ्ते प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर देते हैं ट्रेडिंग चैलेंज के हमारा एक्सेल शीट में। ओके सॉरी 19 हफ्ता बोलते हैं 18 17 17 हफ्ते इसमें, तो यहाँ पे जो है हम 19,000 के आसपास जो है मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। हाँ 16 हफ्ता हमने उसमें भी प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि अप ट्रेंड में था तो उसमें भी हम ट्रेंड अप थे, तो उसमें हम जो 1.8% के आसपास हमने अर्न किया था। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा था, एक दिन मतलब जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था काफी ज्यादा, उसमें मेरा जो है
0.8% के आसपास लॉस हुआ था, मतलब 18,000 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस देख सकते हो, 9,000 के आसपास जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है नॉर्मली, तो वहाँ पे जो मेरा डबल हिट हो गया था। तो यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा मैं जो है 1-2 हज़ार यहाँ पे बढ़ा के ये 8,000 जो है कवर कर लूंगा। वैसे तो मैंने इससे पहले एक जगह पे कम लॉस दिया था तो उसमें जो है थोड़ा बहुत कवर हो गया, लगभग हो गया है मैं मानता हूँ। नहीं ठीक है, प्रॉफिट अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अगर ये इनमें से मतलब थोड़ा थोड़ा अगर जो लॉस अगर कम हो जाए तो इसमें बुरा नहीं है। तो अभी जो है हमारा 17 हफ्ते में लगभग कितने हफ्ते चल रहे हैं मतलब लगभग हम अभी ठीक ठाक प्रॉफिटेबल है अभी। इसमें काफ़ी सारे आप स्टॉप लॉस हफ्ते गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 7 हफ्ते के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और जो 10 हफ्ता हमारा राइट गया है तो लगभग ठीक ठाक चल रहा है, लगभग 60% के आसपास एक्यूरेसी अभी फिलहाल चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।